अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम जाहिद और आप देख रहे हैं मरियम्स कुकिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार और सुपर डिलीशियस कोफ्ते। सो इसके लिए मैंने बीफ लिया है। हम अपना मिंसर लेंगे, उसमें बीफ ऐड करेंगे और फिर मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है, प्याज ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसको बंद करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही बारीक सा जो है वो मिक्सचर बन जाए। यहाँ पे ये देखें, मिक्सचर जो हमारा डन हो गया। इस तरह से हमारा ये मिक्सचर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बारीक। मैंने एक साइड पे जो है वो दो अंडे बीट कर लिए और दूसरी साइड पे मैं बेसन जो है वो तवे के ऊपर भूनने लगी हूँ। अच्छे से हम इसको, जब ये तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार अरोमा जो है वो हमें फील होगा। इसका मतलब है बेसन डालना है। ये बेसन हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे। कोफ्ते मसाले का एक पैकेट मैंने ऐड किया। यहाँ पे मेरे पास ये 2 किलो जो है वो बीफ था और 2 अंडे ऐड किए हैं। बेसन और अंडे जो है वो बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। धनिया ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। इस तरह से आप गोल जो है वो कोफ्ते बना लेंगे सारे मिक्सचर के। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी और अपने कोफ्ते जो है वो इसमें ऐड करूँगी फ्राई करने के लिए। इसको हम इतना जो है वो फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन इस तरह से जो है वो कलर आ जाए। जब ये कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी भी जो है वो कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो है हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे। मसाला, ग्रेवी, प्याज ऐड किया है, लहसुन है, अदरक है, धनिया पाउडर, नमक, रेड मिर्च और रेड मिर्च पाउडर, कुटी हुई रेड मिर्च। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास पानी ऐड किया था। अब हम इसको कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने कुकर लगाया था। प्याज जो है वो हमारा हो गया। अब हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने बड़ा 1 कप जो है वो योगर्ट ऐड किया, यानी कि दही, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बने और मज़ेदार सी बने। और हम दही डाल के अच्छे से भूनेंगे और कोशिश करें कि आप दही को पहले ज़रूर अच्छे से फेंट लें, मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने वो ऑयल ऐड किया जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो इसको अच्छे से मसाले को ऑयल के अंदर जो है वो भून लेंगे और इसके बाद हम अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करना है और बहुत आराम से मिक्स करना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। मैं इसको थोड़ी देर जो है वो कोफ्तों के साथ मसाले को अच्छे से भूनूंगी ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो मसाला भी कोफ्तों के साथ रच जाए। बहुत केयरफुली, बहुत स्लोली आपने इसको हिलाना है। सो ये भुन गए हैं तो हम इसमें अपना वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 बड़ा ग्लास वाटर ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी, आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से ऐड करें, जितनी ग्रेवी पसंद है। और इसके बाद इसको अच्छे से पका लें। और यहाँ पे जो है, जब इसने ऑयल छोड़ देगा इसका मतलब है ग्रेवी डन है। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, हियर वी गो, डिलीशियस और मज़ेदार बीफ कोफ्ते जो हैं वो रेडी हैं। आप चिकन के कोफ्ते भी बना सकते हैं, मटन के बनाएं, बीफ के बनाएं, वट एवर यू लाइक। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको राइस के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें और मज़े उड़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।